हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रिया और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो फाइन लाइन्स, रिंकल, झाइया, इन सभी चीज़ों से छुटकारा कैसे पाया जाए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, फाइन लाइन्स और रिंकल्स की समस्या आपको दिखने लगती है, जिससे आपका चेहरा बहुत ही बूढ़ा नज़र आता है और आपको काफ़ी बेजान सा लगने लगता है। तो आज मैं इसी के लिए आपके लिए एक एंटी एजिंग सीरम लेकर आई हूँ, जो आप इजीली अपने घर बैठे बना सकते हैं और जो काफ़ी किफ़ायती भी है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या लगता है। हमें लगेगा हनी, जिंजर प्लस हनी लगेगा। अगर आपके पास सिर्फ सिंपली हनी है तो आप जिंजर ले ले और उसका रस निकाल ले। यहाँ पे मैंने जिंजर और हनी मिक्स हनी लिया है। उसके बाद हमें लेना है पतंजलि एलोवेरा जेल और गुलाब जल। तो सबसे पहले हमें पतंजलि एलोवेरा जेल लेना है 1 चम्मच। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 1 छोटा चम्मच जिंजर प्लस हनी। और उसके बाद हमें ऐड करना है 4 से 5 बूंदे गुलाब जल की। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये हमारा एंटी एजिंग सीरम बनके तैयार है। ये सीरम आपको दिन में 2 बार अप्लाई करना है अपने चेहरे पर और कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा। आपके फाइन लाइंस और रिंकल बहुत कम हो जाएंगे, आपका चेहरा जो है वो ग्लो करने लगेगा और बहुत ही शाइनी और ग्लोई दिखने लगेगा। तो अगर आप पर अगर इसमें आप और एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, अगर आपकी स्किन थोड़ी ऑयली है तो थोड़ा उसमें 4 से 5 बूंदे नींबू के रस ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नींबू का रस डाल रही हूँ और इसे फिर से मिक्स कर लीजिएगा। इसे आप हमारे स्किन में लगा सकती है, जहाँ पे भी आपको फाइन लाइन्स और रिंकल दिखेगा आपको इसे ऐसे अप्लाई करना है। हल्के हाथों से प्रेशर देते हुए सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए आपको इसे लगाना है और बस 15 से 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। सो 15 से 20 मिनट बाद आपको ठंडे पानी से आपको अपना चेहरा धो लेना है और आप पाएंगे कि पहले ही यूज़ से आपको फ़र्क नज़र आएगा। आपका चेहरा बहुत ही स्मूथ हो जाएगा और बहुत ही अच्छा नज़र आएगा, ग्लोई नज़र आएगा, शाइन होगी हम आपके चेहरे पर। कुछ ही दिनों में आपके फाइन लाइन्स और रिंकल्स भी कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो हनी एंड जिंजर है ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे स्किन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। उसी के कारण जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिससे जो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारे स्किन को, वो नहीं हो पाता है। पतंजलि एलोवेरा जेल खुद पिंपल्स, रिंकल्स को कम करने में मदद करता है। इसमें विटामिन ई भी होता है, ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है और विटामिन ई भी देता है। और साथ ही में जो गुलाब जल है वो हमारे स्किन के पीएच को मेंटेन करता है। नींबू जो हमने इसमें ऐड किया है वो हमारे स्किन को विटामिन सी देता है और ऑयल को कंट्रोल करके पिंपल्स को भी प्रिवेंट करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।